तो हे गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताना रहा हूँ किस तरीके से आप लोग माई जियो एप्लीकेशन जो रहता है, माई जियो एप्लीकेशन है जो जियो का ऐप है, इसमें आप लोग लॉगिन कैसे कर सकते हैं, इसमें आईडी क्रिएट कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से आप लोग अपना सारा डेटा, कॉल रिकॉर्डिंग एंड कॉल डिटेल्स, मैसेजिंग सब कुछ पता कर पाएंगे इसमें लॉगिन करने के बाद, ठीक है। और आपके सारे प्लान से कितने टाइम में आपका प्लान ख़त्म होने वाला है, कितने टाइम में आपका रिचार्ज हुआ है और कितना डेटा आपके यहाँ पर मोबाइल में अभी तक हुआ है, ये सारा चीज़ें आपको इसमें लॉगिन करने के बाद पता चल जाती हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा इस एप्लीकेशन में लॉगिन कैसे कर सकते हैं, इसमें लॉगिन कैसे किया जाता है माई जियो एप्लीकेशन में, तो पूरा कंप्लीटली प्रोसेस आपको बताऊंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा वरना आपको पता नहीं चल पाएगा और बाद में मेरे पास कॉमेंट करोगे कि मैं पता नहीं चल पाया कि किस तरीके से आपको लॉगिन करना है, ठीक है। चलिए आपको बता दें किस तरीके से मैं लॉगिन करना है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए आओ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मिल जाती हैं। और जियो के रिकॉर्डिंग आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग नीचे कॉमेंट बॉक्स से मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर आपको वीडियो बनाकर दे दूंगा, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद में आपको ओपन करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुलकर दिखाई देगा, जहां पर आपके बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, मोबाइल, जियो फाइबर, जियो फाइव और जियो लिंक, ठीक है। यहाँ पर लोग चार ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं जिनसे आप इसमें लॉगिन कर सकते हो। तो फिलहाल आप लोग यहाँ पर मोबाइल नंबर से लॉगिन करके मैं बताऊँगा इसमें। तो सिंपली आपको करना क्या है, नीचे आपको एक तो नीचे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जहाँ पर एंटर मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कहना क्या है, आपको नंबर डालना है, लेकिन आपको ध्यान करना है आपको यहाँ पर जियो नंबर डालना है, अदर नंबर नहीं चलेगा यहाँ पर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे सिम का आप लोग यहाँ पर नंबर डाल दो, नहीं, आपको जियो का नंबर यहाँ पर डालना पड़ेगा तभी आप लोग इसमें लॉगिन कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपना नंबर डाल लेता हूँ, फटाफट से यहाँ पर नंबर डाल के आपको बताऊँगा और किस तरीके से इसमें नंबर डालने का। सिंपली आपको नीचे ये लॉगिन वाला ऑप्शन दिखाई देगा, ये नीचे जो लॉगिन वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये जो लॉगिन वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर ओटीपी जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर, ओटीपी सबमिट ऑटोमेटिक हो जाएगा यहाँ पर, और आपके सामने देखिए आपका यहाँ पर अकाउंट बनके रेडी हो जाएगा, सब कुछ आपके सामने डेटा शो हो जाएगा, कितना डेटा आपके पास बचा हुआ है, कितना डेटा आपने खर्च किया है और कौन सा प्लान अभी आपके मोबाइल में चल रहा है, सब कुछ आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं, पूरा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सारा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग सारा डेटा देख सकते हैं, मेरे पास अभी डेटा देख सकते हैं 1.70 GB यहाँ पर डेटा मेरे पास ऑलरेडी बचा हुआ है, जो कि मेरा यहाँ पर रिन्यूअल होगा यहाँ पर 15 घंटे के बाद, ठीक है। 15 घंटे के बाद रिन्यूअल हो जाएगा, दोबारा से यहाँ पर 2 GB डाटा आ जाएगा, ठीक है। तो यार यहाँ से आप लोग इस तरीके से आप लोग इसमें लॉगिन कर सकते हो, रिन्यूअल हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग मेन्यू में जाकर यहाँ पर अपनी प्रोफाइल भी देख सकते हो, यहाँ पर आपकी प्रोफाइल भी दिख जाएगी, और यहाँ पर आप लोग डेटा पर क्लिक कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना डेटा आपने कहाँ खर्च किया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप लोग सारा कुछ देख सकते हैं, आपने कहाँ कहाँ भाई डेटा खर्च किया है और आपने आज कितना डेटा खर्च किया है, कल कितना डेटा खर्च किया हुआ है, ठीक है। और कॉल भी आप लोग यहाँ से देख सकते हो, कहाँ पर आपने अभी कॉल यूज की है, लगाई हुई, SMS भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर इस एप्लीकेशन में आकर अंदर देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको पता चल जाएगा आपने यहाँ पर आपने आज डेटा कितना खर्च किया है, कल कितना किया है और परसों कितना डेटा आपने खर्च किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग सारी चीज़ें यहाँ पर पता कर सकते हो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए मिलते किसी अगले और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।